हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष और एक और वीडियो मैं आपके साथ लेके आया हूँ। इस बार मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो वर्नियर कैलिपर के ऊपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है। दोस्तों, पहले हम बताना चाहते हैं कि वर्नियर कैलिपर का काम किस काम आता है और ये किस मटेरियल का बना होता है। अगर हम बात करें ये किस काम आता है तो किसी भी जॉब की अगर हमें बाहरी व्यास, इंग्लिश में बोले आउटर डाया या इंटरनल डाया, हमें मेज़र करना हो तो हम नाप सकते हैं। और किसी भी जॉब की गहराई हमें नापनी हो तो हम भी वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेप्थ बार है। डेप्थ बार का यूज गहराई नापने का काम आता है। तो जनरली हम बात करें, ये वर्नियर कैलिपर वेनेडियम क्रोमियम स्टील का बना जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसका नाम वर्नियर क्यों पड़ा, तो फ्रांस के वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिन्होंने इसको सबसे पहली बार यूज़ और बनाया था, उनका नाम था वर्नियर। उन्हीं के नाम पे वर्नियर कैलिपर इसका नाम पड़ा। दोस्तों, अगर धीरे धीरे हम आपको इसमें वीडियो बताते हैं कि इसके सभी पार्ट्स का नाम क्या है। ये जो आप पतली सी स्ट्रिप देख रहे हैं वीडियो में, ये पतली सी स्ट्रिप डेप्थ बार है। दोस्तों, डेप्थ बार का काम होता है किसी भी जॉब की गहराई नापने के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों, ये इसके आउटर जा हैं, ये इसके बाहरी जबड़े हैं। इनका यूज़ हमेशा आउटर डाया मेज़र करने के काम आता है। अगर इन जबड़ों की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे होते हैं इंटरनल जा, आंतरिक व्यास नापने के लिए इसका काम किया जाता है। दोस्तों, इसमें से एक हमारा फिक्स जबड़ा होता है और एक हमारा मूवेबल जबड़ा होता है। फिक्स जबड़ा अपनी जगह स्थिर होता है, जबकि मूवेबल वाला जा होता है उसको हम आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो नट है, डायमेंशन लेने के बाद हमारा मूव जो जा है अपनी जगह से मूव ना करे तो हम ये लॉकिंग नट से हम इसको टाइट कर देते हैं। और ये वाला आप स्क्रू देख रहे हैं, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें दो स्केल है, एक हमारा नीचे एक स्केल बना है और एक हमारा ऊपर बना है। नीचे जो स्केल है ये हमारा मेट्रिक प्रणाली में, ये सभी हमारे स्केल mm में है। और ऊपर वाला जो आप स्केल देख रहे हैं ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम में है, जो हमारे इंचेस में है। अगर हम वर्नियर कैलिपर के दोस्तों लिस्ट काउंट की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 दोस्तों। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो मूवेबल जबड़े के साथ ये जो बार बना हुआ है, इस पर भी कुछ हमारे स्केल बने हुए हैं, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। दोस्तों, अब बताते हैं इसका लिस्ट काउंट 0.02 होता और वो आता कैसे। जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रखा है, लिस्ट काउंट बराबर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इन मेन स्केल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेन स्केल में जो भी वैल्यू हमारे एमएम में चल रहे हैं, इसके एक भाग का मान, जैसे कि ये हमारा एक डेटम लाइन है तो इसके एक भाग का मान कितना होता है दोस्तों, 1 mm। और फॉर्मूला देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। आप देख सकते हैं ये हमारा वर्नियर स्केल है, जब इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल 50 डिवीजन आएंगे, तो अपॉन 50 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कमिंग 0.02। ये आपका आएगा 0.02 mm। दोस्तों, ये जो mm है ये ब्रिटिश सिस्टम में हमारा लिस्ट काउंट है। अगर हम मैंने गलत बता दिया, ये जो 0.02 है ये हमारा मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट है। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ब्रिटिश सिस्टम में इसका होता है 0.001 इंच। तो दोस्तों, ये वर्नियर कैलिपर के बारे में बेसिक जानकारी थी, जो जनरली फिटर ट्रेड में, फिटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों ट्रेड में यूज़ किया जाता है और हर इंडस्ट्री में ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे आने वाले टाइम पे हम इस वीडियो में बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आने वाले टाइम पे भी मैं जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट हैं आपकी ट्रेड्स के रिगार्डिंग मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।